दोस्तों, भले ही आपको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन किसी महिला के लिए अपने बच्चे को जन्म देना उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है, क्योंकि 9 महीने तक कोख में रखने के बाद जब कोई महिला अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म देती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उस बच्चे के रूप में महिला को नई जिंदगी मिल गई हो। बच्चे का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर महिला बच्चे के जन्म से मिलने वाली सारी दुख तकलीफें भूल जाती है। लेकिन कई बार बच्चों को जन्म देना इतना आसान नहीं होता। कुछ ऐसी कंडीशंस भी सामने आ जाती हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो का हर एक पल आपको चौंका कर रख देगा। दोस्तों, आप लोगों ने आमतौर पर ये चीज देखी होगी कि किसी भी माँ बाप के दो बच्चों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल का फर्क होता है, और अगर कुछ ज्यादा हो गया तो 10 साल के फर्क में बच्चे जन्म ले लेते हैं। लेकिन अब हम आपको स्पेन के एक ऐसे परिवार के बारे में बताने वाले हैं जिनके दो बच्चों के बीच 8 से 10 साल का नहीं बल्कि पूरे 41 साल का गैप था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 41 साल का गैप। अब इतना लंबा फर्क सुनने में तो बहुत असंभव लगता है, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि स्पेन में रहने वाली मार्टिन फैमिली में बेटी का जन्म 1956 में हुआ था और उसके ठीक 41 साल के बाद यानी कि 1997 में बेटे का जन्म हुआ। और जब ये इंसिडेंट हुआ तो पूरे स्पेन में बात फैल गई, क्योंकि दो बच्चों के बीच इतना ज्यादा गैप कभी भी देखने को नहीं मिला। स्पेन में रहने वाली मार्टिन फैमिली का हाल तो आयुष्मान खुराना की बधाई हो फिल्म से भी ज्यादा बदतर हो गया था, क्योंकि वहाँ तो फिर भी 25 साल का गैप था, यहाँ तो डायरेक्ट 41 साल के बाद बच्चे का जन्म हुआ, जो कि वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्योंकि जब घर में पोते पोतियों के साथ खेलने का वक्त आया तो इन लोगों ने अलग ही अजूबा करके दिखा दिया भाई। दोस्तों, जब कोई भी महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसकी खुशी का कोई वाकई में ठिकाना नहीं रहता, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब ये महिला प्रेग्नेंट हुई तो ये डॉक्टर के पास गई, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो तब हुई जब डॉक्टर ने सारे चेकअप कर लिए, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि भैया इसकी कोख में कितने बच्चे हैं। क्योंकि जब पहली बार एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल केस है, जब दूसरी बार एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने कहा जुड़वा बच्चे होंगे। जब कुछ महीने के बाद दोबारा से चेकअप हुआ तो पता चला पेट में 4 बच्चे हैं। लेकिन जब 9 महीने के बाद आखिर में ऑपरेशन करके बच्चों को निकाला गया तो उनकी संख्या 4 नहीं बल्कि पूरे 5 थी। जी हाँ, एक ही बार में 5 बच्चों को जन्म देकर इन्होंने सभी को चौंका दिया। पर महिला को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि सभी बच्चे एकदम फिट थे, और इनका ये परिवार एक ही झटके में 2 लोगों से डायरेक्ट 7 लोगों के परिवार में बदल गया। आइए अब आपको ब्रिटेन की सबसे पॉपुलर सरोगेट मदर से मिलवाते हैं। असल में दोस्तों, सरोगेट मदर उसे कहते हैं जो किसी दूसरी महिला के बच्चे को अपनी कोख में पालती है और उसे जन्म देती है। अब ये चीज लोग पैसों के लिए भी करते हैं, और कुछ महिलाएं दूसरों की मदद करने के लिए भी सरोगेट मदर बन जाती हैं। लेकिन अब आप जरा इन महिला से मिलिए जिनका नाम है कैरल, और इन्होंने तो बच्चा पैदा करने का सच में रिकॉर्ड तोड़ डाला, जहां इन्होंने पूरे 20 सालों में कुल मिलाकर 16 बच्चों को जन्म दिया है। असल में 16 में से 13 को तो इन्होंने एक सरोगेट मदर के तौर पर जन्म दिया है, और 2 बच्चे इनके खुद के हैं। पर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्होंने अपने 16वें बच्चे को जन्म देने का मन बनाया। डॉक्टर ने इन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि अब इनकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार इतने सालों से बच्चों को जन्म देने की वजह से इनका शरीर कमजोर हो चुका था, और अब इनके शरीर में बच्चों के पोषण करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने डॉक्टर की एक न सुनी और अपने 16वें बच्चे को जन्म देने का गलत निर्णय लिया। लेकिन इनका यह फैसला जो कि गलत ही साबित होना था वही हुआ, क्योंकि जब इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर पैदा हुआ, और मात्र 6 दिन तक जिंदा रहने के बाद वो बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब दोस्तों, ये तो आप सब भी जानते हैं कि बच्चे को जन्म देने के लिए महिला का हर स्तर से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जब इस दुनिया की सबसे कम हाइट वाली शादीशुदा महिला ने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हर किसी ने इनको समझाया कि आपका शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए सही नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। इन्होंने निर्णय कर लिया था कि शादी के बाद ही ये बच्चों को जन्म देंगी और एक माँ बनने की असली खुशी महसूस करेंगी, और इनके इस फैसले में इनके पति ने इनका पूरा समर्थन किया, जिसके बाद अंत में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद सवाल ये था कि वो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, लेकिन इसका पूरा विश्वास था कि ये अपनी बेटी को एक नॉर्मल जिंदगी देंगी, इसीलिए तो इनकी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। और तो और, उन्होंने दोबारा से बच्चा कंसीव किया और अभी ये 2 बच्चों की माँ है। अब जरा इंग्लैंड में रहने वाली हेदी के बारे में भी सुन लीजिए।
जिनकी कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देगी। असल में जब ये प्रेग्नेंट हुई तब सब कुछ सही चल रहा था, इनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आ गई थी, लेकिन अचानक से ही इनकी तबीयत नाजुक हो गई और फिर जब सारे टेस्ट कर लिए गए तो पता चला कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है और इनका कैंसर काफी ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ तक ये कहना मुश्किल हो गया था कि ये जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी थी और ये वक्त हेदी के लिए सबसे ज्यादा कठिन था, जिस वजह से इन्हें प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा क्योंकि इन्हें कीमोथेरेपी करवानी थी। इसलिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी और आखिर में बच्चे को समय से पहले जन्म देना सही समझा गया। अब कुछ दिनों तक तो जैसे तैसे जन्म लेने वाले बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन आप खुद सोचिए कैंसर से पीड़ित माँ का 5 महीने में जन्मा अधूरा बच्चा भला कैसे जिंदा रह सकता था। आप समझ सकते हैं हेदी के ऊपर क्या बीत रही होगी। जहाँ कुछ समय पहले उसे ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है, वहीं एक ही झटके में उसकी सारी खुशियाँ चकनाचूर हो गईं। कीमोथेरेपी से गुजरने के बाद ये अपने आप को बचाने में तो सफल हो गईं, लेकिन अफसोस कि ये अपने बच्चे को नहीं बचा पाईं। वो तो अच्छा हुआ कि इनके पहले से 2 बच्चे थे, वरना इनकी जिंदगी नरक बन जाती। जो लोग छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करने का मन बना लेते हैं उन्हें इस बच्चे के बारे में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा है जिसके जन्म से ही इसकी नाक गायब है। आपको बता दें कि इस दुनिया में केवल 4 ही बच्चे ऐसे हैं जो कि बिना नाक के पैदा हुए हैं और ये बच्चा उनमें से एक है। बच्चे की कंडीशन देखकर डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया था कि ये बच्चा 1-2 दिन में मर जाएगा और इस बच्चे के जन्म से ही इसकी मौत का मातम होने लगा था, लेकिन बच्चे की माँ को इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका बच्चा हमेशा उसके साथ रहेगा और माँ के इस विश्वास ने ही अपना रंग दिखाया और ये बच्चा नाक ना होने के बावजूद भी जिंदा है। हालांकि इसे प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस छोटे से बच्चे का इस तरह से जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है। आइए दोस्तों अब आपको एक ऐसी माँ से मिलवाते हैं जिनकी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में जग्गी नाम की महिला ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। लड़का भी बहुत अच्छा था और इनकी बेटी भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन शरीर में मौजूद किसी परेशानी की वजह से इनकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। अब इनकी इकलौती बेटी जब कभी इनके पास आती तो वो बच्चे को जन्म न दे पाने के कारण रोने लगती और ये चीज इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। फिर इन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी बेटी की मदद करेंगी और उसे हर वो खुशी देंगी जो वो चाहती है। इसलिए इन्होंने अपनी बेटी के बच्चे की माँ बनने का फैसला किया। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको सरोगेट मदर वाला प्रोसेस बताया था ना, यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ है। बच्चा जग्गी की बेटी और उसके पति का था, लेकिन उसकी कोख में पालने का काम इन्होंने किया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इन्होंने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, यानी कि बच्चे ट्रिपलेट थे और इन्होंने एक ही बार में अपनी बेटी के घर को रोशन कर दिया। हमारे कुछ भी बताने से पहले आप जरा इन तस्वीरों पर गौर करके देखिए। आप देख सकते हैं ये बच्चा कितना छोटा है। असल में ये अब तक जन्म लेने वाला सबसे छोटा बच्चा है जो कि मात्र 23 हफ्तों के बाद ही किसी कारणवश इस दुनिया में आ गया। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो ये उस वक्त बहुत ही छोटा था और इसका वजन भी ना के बराबर ही था। किसी को भी इस बात की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा बच पाएगा, लेकिन फिर भी माता पिता ने उम्मीद नहीं हारी और कई महीनों तक इस बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा। डॉक्टर्स की मेहनत और माँ बाप की दुआ काम कर गई और सभी मुश्किलों को हराते हुए इस बच्चे ने अपनी मौत से जीत हासिल कर ली, जहाँ अब ये स्वस्थ है और अपने माँ बाप के साथ रह रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।